Dear students, today in this lecture we will discuss about iron porphyrins. So we are discussing about metalloporphyrins. Metalloporphyrins which we will discuss in this lecture are myoglobin and hemoglobin. तो आज हम इस लेक्चर में metalloporphyrin के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे. मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन को हम एमबी से रिप्रेजेंट करेंगे. सो मायोग्लोबिन अगर हम इसको तोड़ें तो मायो मीन्स मसल्स एंड ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन. सो मायोग्लोबिन इज अ प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन द मसल्स. मायोग्लोबिन मीन्स मस्कुलर ग्लोबुलर प्रोटीन. इट इज अ हीम कंटेनिंग प्रोटीन. इस प्रोटीन में क्या होगा, हीम होगा. हीम जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. हीम क्या था, जिसमें कि आयरन और पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट थी. इसका मॉलिकुलर वेट लगभग 17,000 होता है. प्रोटीन जो इसमें प्रेजेंट होता है, प्रोटीन इज सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग 153 एमिनो एसिड्स. तो जो मायोग्लोबिन होता है उसमें जो प्रोटीन वाला पार्ट है उसमें 153 एमिनो एसिड्स होते हैं. पॉलीपेप्टाइड चेन है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है. और जो प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इट फोल्ड्स अराउंड द हीम. हेयर हीम इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप. वो पार्ट जिसमें प्रोटीन नहीं होती उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं. तो ये क्या है, देखिए हीम जिसको हमने छोटा सा दिखा है, आयरन और इसके चारों ओर क्या है, पोरफायरिन. और इस को कौन सराउंड किया हुआ है, ये देखिए पॉलीपेप्टाइड चेन है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है. ये पॉलीपेप्टाइड चेन में लगभग 153 एमिनो एसिड्स होंगे और ये इसके चारों ओर फोल्डेड होती है. सो हीम क्या है, हीम इज अ Fe2 पोरफायरिन. यहां पर जो आयरन है वो Fe2 प्लस की फॉर्म में होता है. और अगर हीम और प्रोटीन को ऐड कर दें जिसमें कि सिंगल चेन प्रोटीन हो, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, मायोग्लोबिन. सो दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हीम. सो अगर हमें क्वेश्चन आए मायोग्लोबिन के बारे में लिखने को, तो ये हम बनाएंगे, लेकिन इसको हमें डिटेल में देना होगा कि ये स्ट्रक्चर क्या है, जिस स्ट्रक्चर को हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. तो ये सिंपल स्ट्रक्चर हम तब देंगे जब हम इसके स्ट्रक्चर को अलग से डिस्कस करेंगे. सो हीम का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, देन वी विल गो टू द स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन. हीम इज सराउंडेड बाय द प्रोटीन. आयरन इन मायोग्लोबिन हैज 6 coordination sites. So generally it has octahedral structure, but in case of deoxymyoglobin the 5th site will remain empty. Iron is octahedrally can be octahedrally coordinated. Iron octahedrally coordinated hoga kab hoga, jab iske sath oxygen judegi. Dekhiye 4 coordination with 4 end of 4 pyrrole rings of porphyrin. अभी आपको मैं दिखाऊंगी. आपने पहले भी देखा है कि जो 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 चार नाइट्रोजन होते हैं चार पायरोल रिंग्स में, उनके थ्रू आयरन जो है वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट, चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. फिफ्थ कोऑर्डिनेशन विद द इमिडाजोल नाइट्रोजन फ्रॉम हिस्टिडीन 93, प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन भी इसे कहते हैं. ये हिस्टिडीन किस में प्रेजेंट होगी, जो हमने आपसे कहा जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, उस सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में एक हिस्टिडीन 93 नंबर पर जो हिस्टिडीन होगी वो हिस्टिडीन फिफ्थ पोजिशन पर कोऑर्डिनेट करेगी. उस हिस्टिडीन की जो इमिडाजोल नाइट्रोजन होगी वो फिफ्थ पोर्शन पे क्या करेगी, कोऑर्डिनेशन करेगी. एंड सिक्स्थ जो पोजीशन है दैट इज फॉर कोऑर्डिनेशन विद द ऑक्सीजन एटम. तो आयरन 6 कोऑर्डिनेटेड हो सकता है, पर जो सिक्स्थ पोजीशन है, 5 पोजीशन तो हमेशा रहेंगी और जो सिक्स्थ पोजीशन है वहां पर कौन आके कोऑर्डिनेट करेगा, ऑक्सीजन. अभी आई विल शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीमायोग्लोबिन एंड ऑक्सीमायोग्लोबिन. सो इफ यू सी द डीऑक्सीमायोग्लोबिन वी विल फाइंड दैट आयरन इज 5 कोऑर्डिनेटेड. डीऑक्सीमायोग्लोबिन में क्या होगा,
5 कोऑर्डिनेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीमायोग्लोबिन है, तो ऑक्सीजन अब्सेंट है. आयरन सेकेंड इज प्रेजेंट इन हाई स्पिन स्टेट. यहाँ पर क्या होता है, जो आयरन सेकेंड है वो, जो आयरन है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, आयरन सेकेंड. क्यों है वो भी आपने देखा था पिछले लेक्चर में, क्योंकि जो पोरफायरिन है वो एक डाई एनायन है, तो डाई एनायन के साथ एक डाई पॉजिटिव मेटल ऐड होगा, और ऐड होने के बाद वो क्या बना देगा, मेटलोपोरफायरिन. और ये जब 5 कोऑर्डिनेटेड होता है तो इसकी स्पिन की स्टेट क्या होती है, हाई. तो अगर हाई स्पिन स्टेट होगी तो आयरन क्या है, D6 कन्फिग्रेशन. तो अगर ये D6 कन्फिग्रेशन है तो हाई स्पिन अगर स्टेट है, यानी वीक लिगेंड्स की तरह एक्ट करेंगे, जो लिगेंड्स इसके साथ अटैच हैं, तो ये इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, T2G4Eg2. तो ये हाई स्पिन स्टेट हो गई. और इस समय जो रेडियस होगी आयरन की कितनी होगी, 92 पिकोमीटर. और ये 92 पिकोमीटर होने की वजह से आयरन इज प्रेजेंट एट 42 पिकोमीटर अबव द प्लेन ऑफ पोरफायरिन रिंग. तो क्या होगा, जो आयरन होगा वो फिट नहीं होगा उसके अंदर, जो पोरफायरिन रिंग है उसके प्लेन पर फिट नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, वो 42 पिकोमीटर लगभग जो है वो प्लेन से ऊपर होगा. इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल टाइप. जैसे आप जानते हैं, देखिए ये एन है, ये पोरफायरिन की एन है, तो अगर हम इसको स्क्वायर प्लेनर मान लें तो ये जो आयरन होगा वो थोड़ा सा ऊपर होगा हटके. तो ये क्या शेप बन गया, देखिए दिस इज स्क्वायर पिरामिडल शेप. तो अगर डीऑक्सी मायोग्लोबिन की बात करें तो इसमें जो आयरन है वो पोरफायरिन के साथ स्क्वायर पिरामिडल टाइप ज्योमेट्री बनाता है. इफ वी सी द ऑक्सी मायोग्लोबिन, द बाइंडिंग ऑफ O2 मॉलिक्यूल रिड्यूसेस द रेडियाई ऑफ Fe2 प्लस 275 पिकोमीटर. अब देखिए, जब ये हाई स्पिन स्टेट थी तो ये 92 पिकोमीटर था, और जब इसकी जो, जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड होगा तो इसकी रेडियाई क्या हो जाएगी, 75 पिकोमीटर हो जाएगी. और इस समय क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स होगा वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो T2G6. तो जैसे ही ये T2G6 होगा, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, कम. जैसे ही रेडियस कम हो जाएगी तो ये क्या होगा, पोरफायरिन रिंग में बैठ जाएगा. तो ये Fe2 मूव्स टू द प्लेन ऑफ पोरफायरिन रिंग. अब क्या होगा, देखिए ये जो पोरफायरिन रिंग है, जो आयरन एटम है, यहां पर फिट हो जाएगा. तो अब ये देखिए प्लेनर पोजीशन पर आ गया. तो ये जो क्या है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आ गई, और यहां पर क्या आ गई, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री आ गई, बिकॉज आयरन इज 42 पिकोमीटर अबव द प्लेन. ओके, एंड हेयर द आयरन एटम, आयरन कैटायन इज प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ पोरफायरिन रिंग. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डीऑक्सीमायोग्लोबिन एंड ऑक्सीमायोग्लोबिन. व्हाट इज द डिफरेंस, डीऑक्सीमायोग्लोबिन इज 5 कोऑर्डिनेटेड, ऑक्सीमायोग्लोबिन इज 6 कोऑर्डिनेटेड, बिकॉज एट द 6th पोजीशन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल कोऑर्डिनेट. हेयर द इट इज हाई स्पिन स्टेट ऑफ आयरन, एंड हेयर द इट इज लो स्पिन स्टेट ऑफ आयरन, एंड द रेडियस ऑफ द आयरन विल बिकम 75 पिकोमीटर, वाइल इट इज हायर इन केस ऑफ हाई स्पिन स्टेट. सो द ज्योमेट्री विल बिकम स्क्वायर पिरामिडल टाइप, वाइल हेयर द 4 नाइट्रोजन एटम्स एंड द आयरन एटम दे लाई ऑन द सेम प्लेन ऑफ द पोरफायरिन. So this is the general structure of deoxymyoglobin, and this is the structure of oxymyoglobin. Here you will find that these are the 4 N of porphyrin ring, and iron atom is above this plane. This is about 42 nanometer from this plane, and on the other side this iron is attached to the histidine 93. Nitrogen atom, and that is the that is present on the protein chain, single protein chain is present. So in this way, this is 5 coordinated, this iron is 5 coordinated here, 1 2 3 4 5. तो ये है डीऑक्सीमायोग्लोबिन. यहां पर आप देखिए, जब ऑक्सीमायोग्लोबिन हो जाएगा तो 6 जो इसका 1 कोऑर्डिनेशन, 2 3 4 5, 6th कोऑर्डिनेशन कहां हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ. और ऑक्सीजन क्या होता है, देखिए बेंट टाइप से यहां पर होता है. इसका कन्फिग्रेशन आयरन का यहां पर क्या होगा, T2G6. यहां पर जो कन्फिग्रेशन है वो क्या होगा, T2G4Eg2. सो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, एंड दिस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर.
तो ये इसको हम मायोग्लोबिन को हम कैसे लिखते हैं, एमबी से. सो दिस इज डी ऑक्सी एमबी वाइल दिस इज MbO2. MbO2 मीन्स ये क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब मायोग्लोबिन के साथ क्या जुड़ गया है, ऑक्सीजन जुड़ गया है. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, MbO2, इसको हम लिखेंगे डी ऑक्सी एमबी. अब आप ये देखेंगे कि दो तरीके के ग्रुप्स होते हैं एक्चुअल में. वो कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, जो एमिनो एसिड्स होती हैं, वो दो तरीके की एमिनो एसिड्स होती हैं, हिस्टिडिन 64 एंड हिस्टिडिन 93. ओके, तो ये हिस्टिडिन 93 तो आपने देख ली स्ट्रक्चर में. हिस्टिडिन 64 जो है वो डिस्टल हिस्टिडिन कहलाती है. उसको भी आप देखेंगे जैसे ऑक्सीजन बाइंड होता है तो वो इधर से ऑक्सीजन की साइट से हिस्टिडिन 64 जॉइंट हो जाता है, इधर की साइड से आ जाएगा. ठीक है, तो ये जो, क्योंकि ये जो प्रोटीन है ये चारों ओर से इस हीम को सराउंड करती है, तो इसका जो हिस्टिडिन जो 93 पार्ट है वो तो आयरन की वन कोऑर्डिनेशन को कंप्लीट करता है. ठीक है, ये वन कोऑर्डिनेशन को कंप्लीट कर रहा है, ऑक्सीजन 6 को कंप्लीट कर रहा है, और इस ऑक्सीजन के जुड़ते ही यहां पर क्या होगा, हिस्टिडिन 64 आ जाएगी, जिसको हम डिस्टल हिस्टिडिन भी कहते हैं. सो मॉलिकुलर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट बिटवीन आयरन सेकंड एंड हिस्टिडिन 64. ये जो ऑक्सीजन है ये आयरन सेकंड, और यहां पर क्या आ जाएगा, चारों ओर से प्रोटीन है तो वो प्रोटीन का जो पार्ट है जो हिस्टिडिन 64 है वो यहां पर आ जाता है. तो इसलिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल Fe2 और हिस्टिडिन 64 के बीच में होता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन. अब अगर हम हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो ये जो है अप्रोक्सीमेट टेट्रामर ऑफ मायोग्लोबिन. मायोग्लोबिन का अप्रोक्सीमेट टेट्रामर है, बिल्कुल उसका टेट्रामर तो एकदम तो नहीं है, बट अप्रोक्सीमेट टेट्रामर. 4 हीम ग्रुप्स एंड 4 प्रोटीन चेन्स आर प्रेजेंट. ओके, तो डिफरेंस इज दैट हेयर 4 मायोग्लोबिन टाइप सब यूनिट्स आर देयर. सो देयर आर 4 हीम ग्रुप्स एंड 4 प्रोटीन चेन्स. द 4 प्रोटीन चेन्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स. जो 4 प्रोटीन चेन्स होंगी वहां पर 2 अल्फा चेन होंगी, 2 बीटा चेन होंगी. जो अल्फा चेन होंगी वहां पर कितने एमिनो एसिड्स होते हैं, 141 एमिनो एसिड्स, और जो बीटा चेन होती है उसमें 146 एमिनो एसिड्स होते हैं. और ये जो बीटा चेन है ये क्लोजली रिजेंबल टू द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ मायोग्लोबिन. वैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 146 एमिनो एसिड्स, यहाँ पर 141 एमिनो एसिड्स हैं, जबकि मायोग्लोबिन की जो प्रोटीन थी वहां पर 153 एमिनो एसिड्स थे. सो बीटा चेन जो है वो कुछ इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ मायोग्लोबिन, बट है नहीं पूरी तरीके से, इट इज नॉट सिमिलर. तो इसीलिए हीमोग्लोबिन बिल्कुल डिफरेंट है और जो मायोग्लोबिन है वो एकदम डिफरेंट है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन. एक सिंपल सा स्ट्रक्चर शो किया है. तो हीमोग्लोबिन को अगर हम देखें, आपने देखा ये अगर हम यूनिट ले लें तो ये मायोग्लोबिन टाइप्स है. एक देखिए, एक हीम और एक पॉलीपेप्टाइड चेन, लेकिन जो हीमोग्लोबिन उसमें 4 देखिए हीम है. ये ब्लू के अंदर मैंने रेड से जो किया है ये आयरन है, और ये 4 जो है वो पोरफायरिन की नाइट्रोजन है. तो 4 हीम है और 4 इसके चारों ओर क्या है देखिए प्रोटीन्स हैं. तो आपसे ये कहा था कि 4 हीम्स हैं और 4 इसमें क्या है प्रोटीन है. अब 2 जो है वो जो ग्रीन कलर से शो करी है मान लीजिए बीटा चेन है, और जो येलो कलर से शो की है वो अल्फा चेन है. तो अल्फा चेन आपने देखा, अल्फा चेन में कितने एमिनो एसिड्स थे, 141. तो 141 एमिनो एसिड इसमें, 141 एमिनो एसिड इसमें, 146 एमिनो एसिड इस बीटा चेन में, 146 एमिनो एसिड इस बीटा चेन में. सो इट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मायोग्लोबिन. तो मायोग्लोबिन को तो हम एक यूनिट मान सकते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सच यूनिट्स, एंड दीज यूनिट्स आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मायोग्लोबिन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट. कैसे मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन दे आर इम्पॉर्टेंट इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. देखिए यहाँ पर क्या है, लंग्स, लंग्स में ऑक्सीजन, लंग्स से ऑक्सीजन को कौन ले गया, हीमोग्लोबिन.
हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कहाँ ले गया? मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन कहाँ होता है? टिश्यू में। तो लंग्स से ब्लड के थ्रू हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कहाँ आई? मायोग्लोबिन, जो कि कहाँ प्रेजेंट था? टिश्यू में। तो लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ ट्रांसपोर्ट हुई? टिश्यू में। और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आई? लंग्स में। तो आप ये देख सकते हैं कि जो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वी इनहेल ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, सो दिस ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू लंग्स, थ्रू हीमोग्लोबिन टू द टिश्यूज। तो टिश्यूज में ये ऑक्सीजन जाएगी जहाँ पर ज़रूरत है ऑक्सीजन की, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो थ्रो मायोग्लोबिन, थ्रो हीमोग्लोबिन लंग्स में आएगी। तो इस प्रोसेस में आप देखिए, इन बोथ मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन आपने देखा डीऑक्सी फॉर्म जो है वो, उसमें क्या होता है, आयरन इज आउट ऑफ प्लेन। हम पहले ही देख चुके हैं कि जो आयरन है वो आउट ऑफ प्लेन होती है, ठीक है। और Fe2+ एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन जब डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म होगी, तो आप देखिए थोड़ा सा डिफरेंस हम यहाँ पर देखेंगे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में, कि जो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन है दोनों में ही डीऑक्सी फॉर्म में Fe2 आउट ऑफ प्लेन होता है, लेकिन इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन दिस स्टेट इज नोन एज टी स्टेट। ऐसी स्टेट जहां पर आयरन आउट ऑफ प्लेन होता है उस स्टेट को यहाँ पर टेंस स्टेट कहते हैं, टी स्टेट। और ये जो स्टेट होती है इट हैज लो एफिनिटी टूवर्ड ऑक्सीजन, इसकी ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी क्या होती है, कम होती है। और जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगी, ऑक्सीजन बाइंड होगी तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीफॉर्म। और ऑक्सीफॉर्म में क्या होता है, आयरन इन प्लेन होता है, वो तो चाहे मायोग्लोबिन हो चाहे हीमोग्लोबिन हो, दोनों ही केस में आयरन क्या होगा, इन प्लेन होगा। बट आफ्टर दिस ऑक्सीजन एडिशन इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन द कन्फॉर्मेशन इज नोन एज आर। एक्चुअली ये जो चार सब यूनिट्स हैं और इसमें जो चार जो प्रोटीन की चेन है उसकी वजह से कन्फर्मेशनल चेंजेस जो होते हैं, उस कन्फर्मेशनल चेंजेस को हम दो डिफरेंट नाम से शो कर सकते हैं इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन। सो इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन द डीऑक्सी फॉर्म इज नोन एज डी स्टेट, दैट इज टेंस स्टेट, और आर इज द रिलैक्स स्टेट वेयर इट इज हैविंग द हाई एफिनिटी टूवर्ड्स द ऑक्सीजन। तो आर स्टेट क्या है, ऑक्सी फॉर्म। टी स्टेट क्या है, डी ऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। तो टी और जो आर हम कहते हैं वो किसके लिए कहते हैं, हीमोग्लोबिन के लिए कहते हैं, किसके लिए कहते हैं, हीमोग्लोबिन। और ये जो नेम है वो हम क्या, जो मायोग्लोबिन है उसको नहीं देंगे, हम किसको देंगे, जबकि जो मायोग्लोबिन है वहां पर भी आउट ऑफ प्लेन और इन प्लेन होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली चार प्रोटीन होने की वजह से जो कन्फर्मेशनल चेंजेस है उनका नाम है, डी ऑक्सी फॉर्म को टी स्टेट कहते हैं और जो ऑक्सी फॉर्म है उसको आर स्टेट कहते हैं। आर स्टेट की जो एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन अधिक होती है, हाई होती है, और टी स्टेट की जो ऑक्सीजन के लिए जो एफिनिटी होती है इट इज लो। दीज आर द टू स्टेट्स ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की दो स्टेट्स हैं, यहाँ पर आप देखिए ये हिस्टिडीन है, और ये जो हिस्टिडीन है आप देखिए इस हिस्टिडीन की वजह से, देखिए दूसरी साइड कोई ऑक्सीजन इसमें बाइंडेड नहीं है, तो इस केस में ये जो पोरफायरिन रिंग है इस रिंग के प्लेन से ये आयरन ऊपर है, आउट ऑफ प्लेन। सो दिस स्टेट इज टी स्टेट ऑफ हीमोग्लोबिन। वाइल इन दिस केस ड्यू टू the addition of this oxygen molecule this iron is now in the plane of porphyrin ring, so this is known as relaxed state, this is r state, ye r state hai, aur jaise hi r state mein aayega to yahan par kya aa jayega, jo histidine 64 hai wo isko yahan se surround karegi, yahan par histidine 93 hai, yahan se kaun surround karega, histidine 64। अब एक स्पेशल टर्म जो है दैट इज नोन एज कोऑपरेटिविटी इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के केस में एक टर्मिनोलॉजी है दैट इज नोन एज कोऑपरेटिविटी, और ये क्या है, देखिए बाइंडिंग ऑफ वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विथ वन हीम साइट फैसिलिटेट्स द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू द सेकेंड हीम साइट एंड सो ऑन, दिस फिनोमिना इज नोन एज कोऑपरेटिविटी। Now I will again show you the structure of hemoglobin, and in this structure you will find that there are four heme centers. So if one oxygen will bind to one heme,
दिस विल फैसिलिटेट द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू दिस आयरन एंड दी बोथ दीज टू दे विल फैसिलिटेट द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू द थर्ड वन एंड देन दे फैसिलिटेट्स द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू दिस हीम. ओके, सो दिस इज नोन एज कोऑपरेटिविटी. ये कोऑपरेटिविटी है, जो कोऑपरेशन हम एक दूसरे के साथ भी करते हैं, ऐसा ही कोऑपरेशन हीमोग्लोबिन में चार हीम यूनिट करती हैं. यहां पर जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड होंगी, ये इसमें ऑक्सीजन बाइंड करने में आसान करेगा, और ये इसमें ऑक्सीजन बाइंड करने में आसानी करेगा, और ये इसमें ऑक्सीजन बाइंड करने में आसानी करेगा. तो कोऑपरेशन है एक दूसरे का. ऐसे ही जब ऑक्सीजन रिलीज होगी, तो जैसे ही इसमें से रिलीज होगी तो इसमें से भी रिलीज हो जाएगी, इसमें से रिलीज होगी तो इसमें से भी रिलीज होगी, इसमें से रिलीज होगी तो इसमें से भी रिलीज हो जाएगी. सो दिस इज अ काइंड ऑफ कोऑपरेशन की एक हीम ग्रुप में ऑक्सीजन के जुड़ने से और हीम ग्रुप में भी ऑक्सीजन आसानी से जुड़ती है. सो दिस इज नोन एज कोऑपरेटिविटी. नाउ दिस इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. अब हम ये समझेंगे कि कैसे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन बाइंड होती है और हीमोग्लोबिन से मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन चले जाती है और वहाँ से वो टिश्यू में जाती है. तो ये दो कर्व हैं, अगर आप ये देखेंगे, ये दिस इज परसेंटेज सेचुरेशन विद ऑक्सीजन एंड दिस इज द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. तो जितनी ज़्यादा प्रेशर होती है ऑक्सीजन की, उतना आसानी से ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन में. तो आप ये देखेंगे, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ऐसे ऐसे आप देखेंगे ये सैचुरेशन जो ऑक्सीजन का है वो बढ़ता जा रहा है. देखिए, और यहाँ इस कर्व में आप ये देखेंगे, यहाँ पर आप कर्व देखिए, जैसे जैसे ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि जो सैचुरेशन ऑक्सीजन का वो क्या है, कम है. तो यहाँ पर आप देखिए कि हीमोग्लोबिन लंग्स में, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, वहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है लंग्स में. तो ऑक्सीजन का प्रेशर जब ज्यादा होता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है. तो हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन बाइंड होती है वो हाई प्रेशर पर बाइंड होती है, यानी जहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हायर होगा वहां पर ऑक्सीजन बाइंड होगी हीमोग्लोबिन के साथ. ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होगी, और कितनी ऑक्सीजन बाइंड होंगी, चार, क्योंकि हीमोग्लोबिन में कितने हीम हैं, चार. तो हर एक हीम के साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होगा, और जैसे ही लंग्स से हीमोग्लोबिन, लंग्स से कहाँ को जाएंगे, टिश्यू की ओर जाएंगे, तो टिश्यू में क्या प्रेजेंट है, मायोग्लोबिन. तो मायोग्लोबिन क्या करेगा कि जैसे ही टिश्यू में जाएगा हीमोग्लोबिन, ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा, टिश्यूज में, तो वहां क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कम होती है, टिश्यूज में कम होती है, लंग्स में कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की अधिक होती है. तो जैसे यहाँ पर कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, वहां पर उसकी बाइंडिंग क्या होगी, ऑक्सीजन के लिए कम हो जाएगी, और किसकी बढ़ जाएगी, मायोग्लोबिन की बढ़ जाएगी. सो एट लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन मायोग्लोबिन की जो टेंडेंसी है, एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन इज मोर एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इट इज एट हायर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ मायोग्लोबिन इज हायर एट लोअर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन. सो द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज इज लोअर एज कंपेयर टू द लंग्स. सो इन द लंग्स हीमोग्लोबिन बाइंड्स ऑक्सीजन इजिली, एंड वेन दिस ब्लड गोज टू द टिश्यू देयर इज द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. सो दिस हीमोग्लोबिन विल रिलीज इट्स ऑक्सीजन टू द मायोग्लोबिन, बिकॉज नाउ द मायोग्लोबिन हैज मोर एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, एंड दस इट रिलीजेज द ऑक्सीजन टू द टिश्यू. ओके, सो दिस कर्व इज हाइपरबोलिक कर्व एंड दिस कर्व इज सिग्मोइडल कर्व. सो दिस इज द कर्व फॉर हीमोग्लोबिन and this is the curve for myoglobin. So in the tissue, this hemoglobin, it releases its oxygen to the myoglobin, and one myoglobin will add the one oxygen molecule. So this is the oxygen dissociation curve. Actually, it is explaining about how the oxygen dissociates from hemoglobin. Okay. तो अब आप समझ गए होंगे कि जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड के थ्रू लंग्स में
हायर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होने की वजह से ये अच्छी बाइंडिंग होती है इसकी ऑक्सीजन के साथ। जैसे ये ब्लड टिश्यू में जाएगा, टिश्यू में कंसंट्रेशन किसकी कम है, ऑक्सीजन की कम है। जहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी वहां पर हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो जाएगी, इसलिए क्या करेगा, रिलीज करेगा ऑक्सीजन को। और मायोग्लोबिन की एफिनिटी क्या होती है, अधिक होती है लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन में। तो ये मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ले लेगा और टिश्यू में पहुंचा देगा। तो इस तरीके से लंग्स से टिश्यू में जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं जो एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर फॉर मायोग्लोबिन एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। क्यों? क्योंकि जो मायोग्लोबिन है वो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन में उसकी एफिनिटी अधिक है, और हीमोग्लोबिन की किस में है, हायर कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी अधिक है, इसलिए एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर फॉर मायोग्लोबिन। Now what happens during कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट? तो अब आप देखिए, क्योंकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट होगा इन द रिवर्स डायरेक्शन। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रांसपोर्ट के साथ हम क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट पढ़ेंगे, दैट इज बोर्स इफेक्ट। अगर हम देखें टिश्यू में क्या होगा, एंड टिश्यू ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड एंड CO2 इज प्रोड्यूस्ड। आपने देखा टिश्यू में कौन प्रेजेंट था, मायोग्लोबिन। टिश्यू में कौन है, मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन क्या कर रहा है, उसकी एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन अधिक है टिश्यू में, तो मायोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा हीमोग्लोबिन से, कहां पर, टिश्यू में। तो ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। सो टिश्यू में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, इट रिएक्ट्स विद वाटर एंड इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। ये जो कार्बोनिक एसिड होगा ये कैसे बनता है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, हमने जिंक कंटेनिंग एंजाइम था ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अगर आपको याद है तो आपने वहां पर पढ़ा था कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को और कार्बोनिक एसिड के बीच में इक्विलिब्रियम बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करेगा और कार्बोनिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट, इक्विलिब्रियम बनाने में हेल्पफुल है। तो क्या होगा कि यहाँ पर कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। सो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड pH डिक्रीज होगा और एसिडिटी विल इंक्रीज। तो क्या होगी, एसिडिटी इंक्रीज होगी। ये सब कहां पर हो रहा है, टिश्यू में। ये सब कहां हो रहा है, टिश्यू में। टिश्यू में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, जो रिलीज हो रही है वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बना रही है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट, और इस एसिड के बनने से पीएच कम होगा और एसिडिक करेक्टर बढ़ जाएगा। एंड दिस इंक्रीज्ड एसिडिटी फेवर्स रिलीज ऑफ O2 फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ये जो एसिडिटी जो बढ़ती है ये किसको फेवर करती है, ऑक्सीजन के रिलीज को, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन का रिलीज कहां पर होगा, अगेन टिश्यू में होता है, और जैसे जैसे पीएच कम होता जाएगा वैसे वैसे ये रिलीज जो है वो और बढ़ेगा। ये ऑक्सीजन कहां चली जाएगी, टिश्यू में चली जाएगी थ्रू मायोग्लोबिन। ओके, सो दस द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज नोन एज बोर इफेक्ट। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो पीएच के साथ ऑक्सीजन की एफिनिटी विद द हीमोग्लोबिन चेंज होती है, इसको हम कहते हैं बोर इफेक्ट। आपने देखा जो हीमोग्लोबिन था ऑक्सीहीमोग्लोबिन, जैसे जैसे पीएच कम होगा ये ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, पीएच बढ़ेगा तो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेगा। तो इसका जो रिलीज करने का जो इफेक्ट है विद पीएच, इट इज नोन एज बोर इफेक्ट। ये देखिए जो CO2 कहां से आई है, टिश्यू में ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेसेस, यहां पर CO2 प्रोड्यूस हुई, उसने H2O से रिएक्ट करा इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट, ये कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। ये जो CO2 थी ये डिफ्यूज कहां हो गई, ब्लड में, देखिए सॉल्युबल हो गई, ब्लड में चली गई, ब्लड में किसके साथ बाइंड हो गई, हीमोग्लोबिन के साथ। और इस हीमोग्लोबिन में जैसे ये बाइंड होगी तो क्या होगा, इंक्रीजेज द रिलीज ऑफ O2। तो ये क्या करेगी, क्योंकि अब ये बाइंड हो रही है हीमोग्लोबिन के साथ, तो ये ऑक्सीजन के रिलीज को क्या करेगी, बढ़ाएगी। तो बोर इफेक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, इट इंक्रीजेज द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज। जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे पीएच कम होगा, पीएच कम होगा, एसिडिटी बढ़ेगी, तो उसके साथ क्या होगा कि जो O2 की बाइंडिंग है वो
कहाँ कम होगी? हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में कम होगी क्योंकि वहां पर कौन बाइंड हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो रही है, और वो बाइंड जब हो जाएगी तो ऑक्सीजन का रिलीज हो जाएगा कहाँ पर? टिश्यू में। तो ये जो आपने डिपेंडेंसी देखी पीएच की, पीएच के ऊपर डिपेंडेंसी किसकी है? ऑक्सीजन एफिनिटी टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन इज नोन एज बोर इफेक्ट। इसका एग्जाम्पल है कि जब मसल्स में एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होता है? ड्यूरिंग एक्सरसाइज मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। ठीक है, अब हम एक एक्सरसाइज का एग्जाम्पल लें कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस समय मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, और जब मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो उस दौरान क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी एरोबिक मेटाबॉलिज्म में, और एनएरोबिक में कौन बढ़ेगा? लैक्टिक एसिड, दोनों ही एसिड है। तो जैसे ही हम एक्सरसाइज करेंगे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बढ़ेंगी, तो क्या बढ़ेगा? एसिड बढ़ेगा। वो एसिड जब बढ़ेगा तो उस एसिड के बढ़ने से क्या होगा? पीएच कम हो जाएगा, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज पीएच कम होगा तो क्या होगा कि जो बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन की टुवर्ड्स ऑक्सीजन ये डिक्रीज हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कहाँ दे देगा? टिश्यू में। तो टिश्यू में क्योंकि ज़रूरत है ऑक्सीजन की, इस समय हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसलिए और जल्दी जल्दी होगा क्या? ऑक्सीजन का जो रिलीज है वो जल्दी जल्दी होगा, और हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। आपने देखा है क्योंकि ऑक्सीजन टिश्यू को ज़्यादा चाहिए उस समय, तो वो ऑक्सीजन को लंग्स से हीमोग्लोबिन टिश्यू में ले जाएगा, क्योंकि उस समय क्या होगा? एसिड बढ़ जाएगा, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन का रिलीज विल इंक्रीज। नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि क्या क्या उनके बीच में डिफरेंस होता है। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। मायोग्लोबिन को अगर हम देखें, इट इज प्रेजेंट इन द टिश्यूज, मसल्स में, ये मसल के टिश्यू में प्रेजेंट रहता है। हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होगा? ब्लड में। मायोग्लोबिन इज अ स्टोरेज प्रोटीन, ये ऑक्सीजन को स्टोर करेगी, और जो हीमोग्लोबिन है इट इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। मायोग्लोबिन इज अ मोनोमर, ये क्या है? एक मोनोमर होता है, जबकि हीमोग्लोबिन क्या होता है? ऑलिगोमेरिक। आपने देखा कि इसमें चार सब यूनिट्स होती हैं, और चार तरीके के क्या होंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी, ऑलिगोमेरिक होगा नेचर में। मायोग्लोबिन में क्योंकि एक ही तरीके की पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर शो करता है, थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग इसमें होती है, और जो प्रोटीन हाइड्रोफोबिक है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइसल्फाइड बॉन्डिंग से आपस में जुड़ा होगा। जबकि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर इसलिए होता है बिकॉज इट हैज सब यूनिट्स, इट हैज मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जहां पर भी एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर उसका होता है। मायोग्लोबिन की क्या है? इट हैज हाई एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन बिकॉज इट हैज टू ग्रैब ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, इसको लेना है और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को लेना है, इसलिए इसकी जो एफिनिटी इट इज मोर टुवर्ड्स ऑक्सीजन। कंपैरेटिवली हीमोग्लोबिन हैज लोअर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो कंपैरेटिवली हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम है। If we see the hemoglobin, then we can see that there are two states of hemoglobin. Hemoglobin ki do state possible hai, R that is for oxyhemoglobin, T for deoxyhemoglobin. R form is more having more affinity towards oxygen. T state ki affinity oxygen ke liye kya hogi? Kam hogi. Myoglobin oxygen jo hai wo ek hi molecule bind hota hai because only one unit hoti hai yahan par. हीमोग्लोबिन में क्या होगा? बिकॉज देर आर फोर यूनिट्स ऑफ हीम, सो इट बाइंड्स फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू द फोर हीम ग्रुप्स। अगर हम इनके डेरिवेटिव्स देखें, मायोग्लोबिन तीन तरीके का होता है, डीऑक्सी मायोग्लोबिन, ऑक्सी मायोग्लोबिन एंड मेट मायोग्लोबिन। जो आप देखेंगे जो मीट होता है, मीट का कलर चेंज होता है क्योंकि मसल्स में क्या मिलता है? मायोग्लोबिन। तो अगर वो फ्रेश है, देखिए डीऑक्सी मायोग्लोबिन अगर वो है, ये फ्रेश नहीं है, आफ्टर सम टाइम ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन की कमी है तो वो उसका रंग कैसा होगा? पर्पल रेड। अगर उसमें ऑक्सीजन सफिशियंट है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन इट बिकम्स पिंक इन कलर। एंड क्या होता है कभी कभी
कि जो आयरन सेकंड था वो ऑक्सीडाइज हो जाता है आयरन थर्ड में, तो फिर मेट मायोग्लोबिन का कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन और टैन कलर। तो इस ये तीन तरीके के इसलिए हम देख सकते हैं कि जो मीट का कलर होता है वो भी चेंज्ड होता है। अगर उसमें ऑक्सीजन है, मसल्स में मायोग्लोबिन है और उसमें ऑक्सीजन फुल है तो वो पिंक कलर का होगा, अगर उसमें ऑक्सीजन की कमी है तो पर्पल रेड कलर का होगा, और कुछ समय बाद अगर वो आयरन ऑक्सीडाइज हो जाए तो वो कैसा हो जाता है, टैन और ब्राउन कलर का। ऐसे ही आप देखेंगे जो हीमोग्लोबिन है वो चार तरीके का मेन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मेट हीमोग्लोबिन एंड सल्फ हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, रेड कलर का है, ऑक्सीजनेटेड फॉर्म है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन चेरी रेड कलर का है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कार्बोनिल है वो जुड़ जाता है जब हीमोग्लोबिन में, और ये बहुत स्टेबल कंपाउंड है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो क्या है, ये रिवर्सिबल टाइप का कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ भी सकती है और इसमें से रिमूव भी हो सकती है, जबकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में अगर कार्बोनिल जुड़ गया तो जुड़ गया। आपने देखा होगा कि कई बार लोग आग सेकते हैं और वहां पर उनका दम घुटने से डेथ हो जाती है, वो किसकी वजह से होती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनने से, क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक स्टेबल कंपाउंड है और कार्बोनिल की जो एफिनिटी टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन है इट इज 100 times मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। देन मेट हीमोग्लोबिन क्या होता है, यहाँ पर Fe2+ Fe3+ में ऑक्सीडाइज हो जाता है सम टाइम इन प्रेजेंस ऑफ सम ड्रग्स, कुछ ड्रग्स की प्रेजेंस में क्या होता है, मेट हीमोग्लोबिन बन जाता है, वो ब्राउनिश रेड कलर का होता है, और कभी कभी कुछ सल्फामाइड्स एंड H2O की प्रेजेंस की वजह से डर्टी ब्राउन कलर का हो जाता है हीमोग्लोबिन, तो वो क्या हो जाता है, उसको कहते हैं सल्फ हीमोग्लोबिन। तो ये चार तरीके के डेरिवेटिव्स हीमोग्लोबिन के होते हैं, ये मेन है, इनके कलर डिपेंड करते हैं कि ये इनका जो ये किससे बाइंडेड है, अगर ऑक्सीजन से बाइंडेड है तो रेड कलर, अगर कार्बोनिल से बाइंडेड है तो चेरी रेड कलर, अगर Fe2 Fe3 में कन्वर्ट हो चुका है तो मेट हीमोग्लोबिन ब्राउनिश रेड कलर, और अगर ये H2O से बाइंड है या सल्फेनामाइड से बाइंड है तो ये डर्टी ब्राउन कलर का होता है। सो दिस इज द दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। सो नाउ वी कैन कंक्लूड द लेक्चर, एंड इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द आयरन पोरफायरिन्स दैट आर मेटलोपोरफायरिन्स एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। सो द हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन आर रिलेटेड बट दे हैव डिफरेंट फंक्शंस, उनके फंक्शंस क्या थे, डिफरेंट थे, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को, जो मायोग्लोबिन है इट इज स्टोरेज प्रोटीन, ये स्टोर करता है ऑक्सीजन को, और ये आपने डिफरेंस देख लिया है, बिल्कुल डिफरेंट काम है इनके। हीमोग्लोबिन में 4 sub units होती हैं और 4 heme groups होते हैं, मायोग्लोबिन में केवल एक ही हीम ग्रुप होगा और एक उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन होगी जिसमें 153 एमिनो एसिड्स होते हैं। मायोग्लोबिन कैन बाइंड वन ऑक्सीजन वाइल दी हीमोग्लोबिन कैन बाइंड 4 oxygen atoms, और इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन जो कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं उनकी वजह से दो तरीके के हम कह सकते हैं जो स्टेट होती है इसमें कन्फर्मेशन, वो आर स्टेट एंड टी स्टेट होती है। जो आर स्टेट है वो ऑक्सीजन बाइंड होने के बाद की स्टेट है और जो टी स्टेट है वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन स्टेट है। तो ये शेप चेंज होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो जो चार जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसकी वजह से कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं। जो आर स्टेट होती है दैट बाइंड्स ऑक्सीजन बेटर, टी स्टेट रिलीजेस ओ टू बेटर। ओके, तो ये जो है फिर हमने इसमें देखा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। सो दिस इज ऑल अबाउट द आयरन पोरफायरिन्स दैट आर हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। सो थैंक यू वेरी मच।